लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में इस बार महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर देखने मिल रही है। बात करें तो शोलापुर की, शोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यहां से 15 साल विधायक परिणीति शिंदे थी, उन्होंने यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई है। सोलापुर की जनता ने परिणीति शिंदे को दिल्ली पहुंचा दिया है, अब उनकी सीट को लेकर यहां पर गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की ओर से यह नारा लगाया जा रहा है कि यहां पर कमल खिलने वाला है, महायुति का ही उम्मीदवार यहां पर जीतने वाला है। तो यमायम पार्टी कह रही है कि ताई के बाद यहां पर भाई आने वाले हैं और यमायम की पतंग की यहाँ पर जीत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सीट हमारी थी और हमारे ही खाते में रहेगी और अपने गढ़ को हम बचा पाएंगे। मुस्लिम समाज की ओर से कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालना शुरू कर चुके हैं यहाँ के नेता कार्यकर्ता, ये सीट हमारे हक में है और हमको मिलना चाहिए। बात करें तो 11 मुस्लिम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में अपना फॉर्म भरा है और ये कहा है कि हमें यहाँ से टिकट मिलना चाहिए, उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। टोटल 11 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक महिला है जिसको आप जानते ही हैं, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, नगर सेविका फिरदौस पटेल। नगर सेविका फिरदौस पटेल 10 साल की माजी नगर सेविका है, अपने प्रभाग में उन्होंने एक अच्छा काम किया है। इस सीट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनकी रणनीति है, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, मैं आपको लोक प्रधान में स्वागत करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी विधायक परिणीति शिंदे जो अब खासदार बन गई है, अब वो खासदार बनते ही सीट को लेकर जो है गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह देखती हैं उस सीट को लेकर? देखो, ये सीट पहला कांग्रेस के खाते में थी और अभी भी हम सोच रहे कि ये सीट कांग्रेस के ही खाते में जाए। अच्छा। क्योंकि ताई ने यहाँ सारा बहुत सारा काम किया है और ताई ने शहर मध्य में मतलब विकास काम हो या तो फिर हर एक मसले पे सवाल पूछना हो विधानसभा में, मतलब हर एक चीज उन्होंने की है, विकास काम ज्यादा किया है, तो वो मद्देनजर रखते हो। अगर जो काम अभी छूटे हुए हैं वो काम इंशाल्लाह कांग्रेस ही पूरा कर सकती है, इसलिए अच्छा। हम कांग्रेस के खाते में सीट मांग रहे हैं। अच्छा, देखिए मैडम, आपको तो पूरा शोलापुर जानता ही है, लेकिन दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका क्वालिफिकेशन, आपकी राजकीय करियर, आप राजनीति में कैसा है, आपका कॉलेज कर दो और थोड़े अपने बारे में इंट्रोड्यूस हमारे दर्शकों को कराएं। जी, मैं पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका रही हूँ और मेरा कॉलेज लाइफ मतलब मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस हो गया है। अच्छा। और मैंने डीएमएलटी कोर्स भी किया है, मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स किया है। तो इस तरह मेरा कॉलेज लाइफ शिवाजी कॉलेज में हुआ है और मेरा स्कूल इधर अहिल्याबाई में हुआ है, मतलब यहाँ शोलापुर में ही मैं पैदा हुई हूँ और यहाँ का ही मेरा पूरा ये है एजुकेशन वगैरह। और मैं पॉलिटिकल इसमें मैं नहीं थी, लेकिन ये प्रभाग मेरा रिजर्व हुआ महिलाओं के लिए। अच्छा। तो तब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैंने यशोदा युवति महिला फाउंडेशन की स्थापना की, मतलब जिससे सभी युवती और सभी महिलाएं इस मेरे इस फाउंडेशन में उन्होंने सदस्य बने और उसके बाद मैंने काम शुरू किया, महिलाओं के बचत गट हो, महिलाओं के जो लेडीज के जो प्रॉब्लम रहते हैं वो सारे सॉल्व करने की कोशिश किए, कई महिलाओं को न्याय देने का भी काम हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से किए और कई महिलाओं की हमने सिलाई मशीन जो रहती है वो हमारे हम खुद के खर्चे से, मतलब मेरे खुद का खर्चा, जो शिंदे साहब के वार दिवस हो या प्रणीत ताई के वार दिवस हो, बर्थडे हो, उसके अवसर पर हमने ये सिलाई मशीन वगैरह पहले ही हम सब काम किए है। तो बहुत सारा यशोदा फाउंडेशन के सभी जिसमें सभी जात धर्म के महिलाएं हैं, तो उस तरह मैंने ये फाउंडेशन के माध्यम से काम शुरू किया और मेरा पॉलिटिकल जो करियर है वो मैं अपने मतलब हमारे कुछ बैकग्राउंड नहीं है वैसे। अच्छा। ही हम एक अभी भी देख रहे हैं आप, हम स्लम एरिया में रहते हैं। अच्छा। झोपड़पट्टी में मेरा घर, हाँ, साधारण घर से हूँ और साधारण घर में रहने की वजह से और यहाँ की बहुत सारे मतलब जो लोगों में काम है, जो लोगों में महिलाओं की समस्या है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, हर रोज मेरे घर में सुबह बोलो दोपहर बोलो कोई भी किस वक्त भी मेरे घर में लोग आते हैं। अच्छा। और उनका जो काम है इंशाल्लाह मैं पूरा करती हूँ।
मैडम देखिए, आपकी शहर में एक ऐसी चर्चा है कि हूबहू आप जो है परिणीति शिंदे की तरह आपका लुक है, उसके बारे में क्या दर्शक को कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। लेकिन काम तो इंशाल्लाह ताई के कदमों पर मैं कर रही हूँ, ताई जैसा काम करते वैसा इंशाल्लाह काम करने की कोशिश की हूँ। नगर सेवक बोल के मैं, मेरा जो फर्ज है वो मैंने अदा किया है, जो फाउंडेशन की जो मैंने स्थापना की उसका भी काम मैंने पूरा किया है, और जो हूबहू दिखने का है तो वो तो अल्लाह की मसलियत है। अभी अल्लाह ताला जो सब चेहरे तो अल्लाह ताला ने सबके बनाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह काम तो मैं ताई के नक्शे कदम पर मैं कर रही हूँ। देखिए मैडम, जनता में ऐसी चर्चा है और सोलापुर में ऐसी चर्चा है कि फिरदौस पटेल अभी जो है आमदार के ख्वाब देख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है। ख्वाब देखना हर एक का, जितने आप अपनी सोच ऊंची रखोगे उतना अल्लाह ताला तुमको नवाजेगा, क्योंकि अपना गुमान पर अपना भरोसा चाहिए। अपना गुमान तुम जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना इंशाल्लाह गुमान पर अल्लाह ताला भी तुमको बरकत देगा। तो इस तरह मैंने मेरा गुमान बहुत स्ट्रांग रखा है, पक्का रखा है, और लोगों की इतनी ख्वाहिशात है, मतलब मैं खुद नहीं जानती, और मुझे कभी सोची भी नहीं थी जब ये मुद्दा, मतलब जब ये शहर मध्य का आया, तो सब लोगों ने जब यूनिटी बनाई रखी तो मैं भी सोची कि मैं क्यों ना काम करूं, क्योंकि जब सब लोग मेरे को बोल रहे, मतलब अभी लोकसभा की जब तैयारी चल रही, तब से मैं कहीं पर भी जाऊँ, जहाँ शॉपिंग को जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हो, तो लोग बोलते मैडम अभी ताई के बाद आप ही काम कर सकते हैं, और आप ही मतलब ये कर सकते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया है वैसी। तो इस तरह मैं इंशाल्लाह लोगों में, लोगों की चाहत है, मतलब मैं खुद से नहीं बोलती, और मैं मेरा बहुत बड़ा मैं ये नहीं मानना चाहती, लेकिन लोगों की चाहत है, उस तरह देखेंगे इंशाल्लाह भी क्या है। लोगों की यूनिटी जो भी बनी है 11 लोगों की, ये शहर मध्य में जो हम 11 एक जगह आए, तो इसमें से मैं एक महिला हूँ, और मेरे को लगेगा कि इंशाल्लाह पार्टी मेरे को टिकट देगी। देखिए मैडम, आप कह रहे हैं कि आमदार के ख्वाब आप देख रहे हैं, मतलब लोगों की तरफ से आपको रिस्पांस मिल रहा जी। है, क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट मिलेगा क्या? कितने चांसेस हैं आपको टिकट मिलने? देखो, चांसेस तो अल्लाह पे बहुत ज्यादा मेरा भरोसा है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज करने वाला है, कुन बोले तो सब कुछ हो जाता है, तो उसको कुछ बहुत बड़ी आसानी नहीं है, अगर अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डालेगा तो सब कुछ अच्छे से होगा। तो मैं तो ज्यादा होप्स रखी हूँ, और एक महिला बोल के, क्योंकि 70 सालों से महिला इलेक्टिव, मतलब इलेक्टेड इलेक्शन में जीत के विधानसभा पर नहीं गई है, तो अभी ऐसा माहौल है कि मतलब 72 सालों से जब महिला को टिकट नहीं मिलती है, तो अभी एक टिकट हमने ये पूरे सोलापुर जिले में और शहर मध्य में, खासतौर पर 19 लोगों में से मैं अकेली महिला हूँ, और मुस्लिम समाज की, अभी तक मुस्लिम समाज की महिला बोल के कभी विधानसभा पर चुन के नहीं गए। हाँ, MLC मिली है, लेकिन MLA लेवल के कोई नहीं गया, तो इसलिए ज्यादा मेरे को भरोसा इस बात का लग रहा है कि एक महिला बोल के, और कई सालों से, 72 सालों से मुझे लगता है कि टिकट नहीं मिली है, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को टिकट मिलेगा, और उसमें से महिलाओं को ज्यादा चांस मिलेगा। जैसे हमारे राहुल गांधी भी बोले कि इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, और अभी महिला सशक्तिकरण का भी मुद्दा सामने आ रहा है, महिला मुख्यमंत्री को लेके बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि एक जिले में, ये सोलापुर जिले में, एक महिला को टिकट इंशाल्लाह मिलेगी। मैडम, पहले से आपने ठान के रखा था कि भाई परिणीति शिंदे यहाँ से जाने के बाद मैं उनकी सीट पर आने वाली हूँ, क्योंकि आपका जो स्टाइल है, मतलब जो आपका पहनावा वगैरह है, वो लोग बोलते हैं कि दूसरी परिणीति शिंदे है, मतलब ऐसा कुछ था क्या पहले से प्लानिंग वगैरह आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं मतलब पहले से ही ऐसा रहती हूँ, अभी कुछ नया कुछ मैंने किया नहीं है। और हूबहू दिखने का आप बहुत बार मेरे को ये बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और हो भी सकता है हमारे जैसे लीडर होते हैं, तो उनके जैसा बनना भी थोड़ा सा अपने को लगता है कि उनके जैसा हम बने, तो लेकिन उनका कुछ कॉपी तो नहीं किया, लेकिन पहले से इंशाल्लाह मैं वैसे ही रही हूँ, और काम भी हमारे नेता जैसा करते हैं वैसा करने की मैं कोशिश की हूँ, और पार्टी में हमारे है ही ऐसे, जैसा स्ट्रांग लीडर होता है उस तरह भी काम करना जरूरी होता है। देखिए मैडम, आपने कहा कि 72 साल हुए, 70 साल हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को टिकट नहीं दी थी, उसकी क्या वजह और कारण है कि आपके जैसे काम करने वाले नेता है, और इससे पहले बहुत सारे नेता काम कर चुके हैं, उसका कारण और वजह क्या है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती?
क्यों नहीं देती? नहीं, अभी होप्स है, इंशाल्लाह देंगे, लेकिन क्यों नहीं देती ये तो मतलब अभी बता नहीं सकती। इसके पहले प्रणीत तय थे, तो 15 साल उनको चांस दिया लोगों ने, यहाँ के शहर मध्य के लोगों ने, और उन्होंने काम अच्छा किया, इसलिए उनका टर्म बढ़ते गया, और अभी तो इतने उम्मीदें बढ़े कि उनको लोकसभा पर पहुंचा दिए। तो इंशाल्लाह लोगों की भी चाहत है, और अभी इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि अभी पूरा मतलब बोलते हैं ना जंगल साफ हो गया है, उस तरह हो गया है, इंशाल्लाह मिलेगा इस बार। मुस्लिम को 101% चांसेस है। देखिए मैडम, बहुत सारे जो दिग्गज गद्दावर नेता कहीं कांग्रेस पार्टी के, जिस तरह से तात्या कोटे थे, महेश कोटे थे, सुधीर खरडमल थे, जी फिर तौफिक शेख थे, यूएन बेरिया थे, इन्होंने इस सीट को लेकर नाराजगी जताते हुए कि यहाँ से उनको मौका नहीं मिलता, उसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी यहाँ से छोड़ी। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ये वजह है क्या कि भाई कांग्रेस पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करती है, उनका यूज करती है, उनको संधि और मौका नहीं देती, मतलब उनको आगे जाने नहीं देती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका देती है। आपने देखा है कि महेश कोटे साहब भी सभागृह नेता थे, महापौर थे, और खरटमल साहब को अध्यक्ष पद दिया था, मतलब सबको कुछ ना, बेरिया साहब महापौर नेता, महापौर थे, सभागृह नेता थे, सबको कुछ ना कुछ दिया है। लेकिन जब बात यहाँ पर शिंदे साहब के बाद अगर ताई की आई, तो सबने पीछे हटा, और मतलब उनको भी एक चांस देना जरूरी था, और ताई का कैसा काम भी है, तो उसके लिए यहाँ तक थे अभी, लेकिन ऊपर जाने के बाद अभी चांस मिला है। लेकिन उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होंगे, मुझे नहीं पता उनके क्या प्रॉब्लम थी, इसके लिए वो पार्टी छोड़ के गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको सबको सब कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया, ऐसा मत बोलो, सबको दिया है, और भर भर के दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जिसके उसके पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल इश्यू है, उसके लिए सब लोग पार्टी छोड़ के गए, लेकिन ऐसे वक्त अभी ऐसा वक्त है कि इस वक्त बहुत जरूरी थे ये सब लोग, लेकिन इस वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से महाविकास आघाड़ी में फिर से आ गए हो, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है सबकी। मैडम, जिन 11 लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, कुल तो शायद 18-19 लोगों ने फॉर्म भरा है, भरा है। लेकिन अगर हम बात करें तो 11 लोगों ने शहर मध्य से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फॉर्म भरा है। उन 11 लोगों के मुकाबले आप में ऐसी कौन सी खूबी है कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे? देखो 19 जो लोग है सब कैपेबल है, मैं ऐसा नहीं बोलती, मैं खुद कैपेबल हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे लगता है वैसा बोलना तो बहुत एटीट्यूड की बात होंगी, सब लोग कैपेबल है, लेकिन मैं एक महिला हूँ, और 19 लोगों में अकेली महिला मांग रही है। तो मेरे भाई भी, अगर मुझे अगर टिकट मिल गई, मेरे भाई सब लोग काम करेंगे, तो वो मेरे में खासियत है, और मेरा सर्व जात धर्म मतलब सभी लोगों में मेरा अच्छा है, सब लोग मेरे को साथ देते हैं। मेरा विकास नगर जो भाग है, जहाँ आरएसएस के कुछ लोग है, हमारे हिंदू भाई है, सब लोगों ने मेरे को हर वक्त, मेरा जब भी इलेक्शन रहता है महापालिका का, तो वो सब लोग मेरे को वोट करते हैं, और हमेशा मेरे को बुला के वहां के मान सम्मान देते हैं, और उनका काम भी मैं करती हूँ, और कहे कभी भी मैंने जात धर्म नहीं किया, सब लोगों को लेकर मेरे मेरे कार्यकर्ता आप देखोगे तो पूरे हिंदू लोग हैं, सब हिंदू महिलाएं हैं सब, और मेरे जब भी मेरा फंक्शन रहता तो सब लोग मेरे इस प्रोग्राम में, सब महिला, सभी जात धर्म के महिलाएं आती, तो एक अलग खासियत बोल के, अलग शख्सियत। अभी आप सबको मालूम है कि पूरा अभी इलेक्शन जो है जात धर्म पर चल रहा, तो अभी मैं एक मतलब मैं खुद को नहीं मानती, लेकिन मैं खुद एक ऐसा पार्टी के सामने चेहरा हूँ कि सब जात धर्म को लेके चलने वाली हूँ, इंशाल्लाह चलूंगी भी, और कभी हम कास्टिज्म नहीं करेंगे, और सेक्युलर एक चेहरा बोल के मुझे सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह, और उस तरह से मैं इंशाल्लाह काम करूंगी। देखिए मैडम, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मीडिया में देकर, बड़े नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मिलकर, प्रणीति शिंदे हो, सुशील कुमार शिंदे हो, या महाराष्ट्र के नेता हो, मिलकर, लेकिन कोई ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नहीं दिख रहा है कि भाई टिकट यहाँ से मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला है। देखो कैसा है, अब 3 मतदार संघ है फिलहाल अभी शहर में, तो इतने सारे लोग इच्छुक है, तो मतलब उनको भी, हमको खुद को लग रहा है कि अभी कैसा कंफ्यूजन दूर होगा, इतना कंफ्यूजन बढ़ गया है, तो ऐसे इसमें थोड़ा डिसीजन लेना ये होता है। तो अभी वरिष्ठ लोग जो निर्णय लेंगे, महाविकास आघाड़ी के लोग, अभी तक मतलब उनका सीट को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ, और अभी शहर मध्य में हम 11 लोग इतने ये है मतलब एक जगह आ गए, तो उसकी वजह से, तो हम लोग एक होने की वजह से मतलब कुछ भी उनको आगे करने नहीं आ रहा, तो इसके वजह वो खुद कंफ्यूजन में है क्या क्या करे, तो इसलिए देखेंगे अभी क्या होता है। मैडम, कितने प्रतिशत माने के कांग्रेस पार्टी इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट देने वाली? मुझे तो 101% लगता है कि मुस्लिम समुदाय को ही
पार्टी टिकट दी गई, क्योंकि इतने एक बार इतने प्लेटफॉर्म पर एक जगह ये सब 11 लोग आ गए, तो कुछ ना कुछ एक क्या बोलते प्रेशर बनाए रखे हैं। और इसमें से एक भी ऐसा नहीं कि तू आगे, मतलब तुम आगे के हम पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं। सब लोग अपने अपनी जगह पर है, और कोई भी किसी ने भी अभी तक आपको पता है कि बाइट नहीं दी, किसी ने मीडिया के सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो प्रेशर बनाए रखे है, और हम लोगों की मांगनी इतनी जोरदार हमने मांगनी की है, तो इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा और कुछ ना फायदा होगा, मुझे 101% गारंटी है। और ताई साहब का भी ऐसा कहना है कि इस बार मुस्लिम को टिकट मिलेगा, देंगे। ताई वगैरह से आपकी बात हुई क्या? ग्रीन सिग्नल आपको दिया क्या है कि फिर दोस्त हम, अब तुम जो है तैयारी में लग जाओ कि हम टिकट मिलने वाला है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी वरिष्ठ लोग है, वरिष्ठ लोगों को मतलब थोड़ा ये क्या बोलते हैं, तीड़ा कसा है करायचा बोलते ना, तीड़ा कसा सुटेल, तो उस पद्धति मतलब उस वजह से अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। इंशाल्लाह अगर मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे, कोशिश करेंगे और सब लोग एक जगह आएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इन 11 लोगों में सब में ज्यादा मतलब जो सक्रिय है वो शौकत पठान और फिरदौस पटेल दिख रहे हैं। बड़े नेताओं से मिलना, मीडिया से बातचीत करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, और ऑटो रिक्शा पर आपने पोस्टर भी लगाए रखे हैं कि माहौल बदलने वाला है, तो ग्रीन सिग्नल मिला होगा इसलिए तो सब इतना हो रहा है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ग्रीन सिग्नल अभी तक किसी को मतलब कोई पार्ट मतलब किसी को भी हो, मतलब कोई भी समाज के भी, मोची समाज है उसमें, उन्होंने मांगनी की है। अच्छा। मुस्लिम समाज के लोगों ने मांगनी की है, सब समाज के लोगों ने मांगनी की है, तो सबको लगता है कि हमको मिलेगा तो। लेकिन अच्छा। अभी जो होने वाला है वो फाइनल तो साहब और शिंदे साहब ही करने वाले है। और जो आपने बोला कि पोस्टर लगाए माहौल बदलने वाला, उससे कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन माहौल बदलने वाला इसका मतलब यह है कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में आएगी और यहाँ से कांग्रेस की सीट जो है अभी आने वाली वो जीत के आएगी, और विधानसभा पर यहाँ से एक मुस्लिम नुमाइंदा विधानसभा में जाएगा, इसलिए हम बोल रहे थे माहौल बदलने वाला। मैडम अगर इन 11 लोगों में अगर किसी एक को टिकट मिलकर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका स्पष्ट है, हम जब से मतलब पहले दिन से ये 11 लोगों ने जो ठान ली है कि हम मतलब टिकट लेके आएंगे, तो हम मेरी भूमिका ऐसे रहेगी कि किसी को भी मिलेगा तो उनके साथ हम रहेंगे, उनका काम करेंगे, और हम पहले से एकनिष्ठ है। जैसे ताई ने भी बोला कि जो एकनिष्ठा है तन्ना में टिकट देना रहा, ऐसा बोले तो सब हम एकनिष्ठ है, हमने पार्टी के लिए बहुत काम किया। आप सबको पता है, मीडिया वालों को पता है कि पार्टी का हमने लोकसभा में हो, पिछले दो विधानसभा में हो, हर वक्त हमने ताई का साहब का काम किया है। पार्टी के जो जो ऊपर से प्रोग्राम आते हैं वो प्रोग्राम को हमने पूरा किया है। हमने डिजिटल मेंबरशिप आपको मालूम है, राहुल गांधी बहुत उसमें एग्रेसिव थे, तो उस चीज में भी मैंने महाराष्ट्र में टॉप किया है। तो ये चीज को लेकर हमको स्ट्रांग फीलिंग है कि इंशाल्लाह कांग्रेस को टिकट मिलेगी, और जिस किसी को भी मिलेगी हम 11 में से तो उनका साथ मैं जरूर देगी, मैं खुद होकर उनके इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगी इंशाल्लाह। एकनिष्ठ को टिकट मिलेगा ऐसा परिणीति शिंदे ने कहा था, वो जुमला कहीं ना कहीं आपके लिए था क्या ऐसा आपको लगता है? सबके लिए है, जो मैं खुद का नहीं बोलती, लेकिन जो 11 लोग है सबके लिए वो जुमला है, क्योंकि लोकसभा में हमको इतनी तकलीफ हुई, आप सब मीडिया वालों जानते हैं बीजेपी के लोग कैसे कैसे रणनीति थी उनकी, कैसे कैसे उन्होंने हमको तकलीफ दी, हमको इतना मतलब टॉर्चर किया गया, हमको इतना हमारे 35 लोगों को तड़ी पार किया गया, ये सब मुद्दे लेकर हम मतलब इतना डिस्टर्ब थे। और वैसे में से हमने प्रचार करके हमारे प्रभाग में बोलो, हमारे पूरे मतदार संघ में बोलो, हमने इतना काम किया ताई को साहब को, ताई को जीत कर लाने में, और ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे प्रभाग से है, और ज्यादा से ज्यादा हमने लीड हमारे प्रभाग में सीधे, उन्होंने इतना प्रेशर डाला था कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हो, नगर सेवक हो, हर एक को उन्होंने किसी ना किसी तरह से तकलीफ दी थी बीजेपी ने, लेकिन उसको मतलब हमने उसको चारा नहीं डाला, हमने आगे बढ़कर काम किया और ताई को जीत कर लाए। मैडम अगर मुस्लिम समुदाय को टिकट नहीं मिलता तो आप पार्टी से बगावत कर निर्दलीय या अपक्ष रुकने की आपकी तैयारी है क्या? अभी तो मैं उसके ऊपर नहीं बात करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं कि एक बार हम कुछ करेंगे तो उसके बाद कुछ रिएक्शन आएगा, और एक निष्ठता हमको दिखानी है, और हमारे खून में नहीं है वो गद्दारी करना, जो भी काम होगा पार्टी का ही काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, मुझे दूसरे पार्टी से बिल्कुल लगाव नहीं है, जो भी है मेरा कांग्रेस पार्टी से ही है। अच्छा देखिए मैडम, अगर आपको टिकट यहाँ से मिलता है तो
आप ऐसा नहीं मानती कि आपका मुकाबला एमआईएम से होने वाला है? मैं नहीं मानती एमआईएम से होगा। यहाँ पर ज्यादा लोग, जो शहर मध्य का ऐसा माहौल है कि यहाँ पर लोग जो है सब मिलजुल के रहते हैं, सभी जात धर्म के लोग हैं और एक धर्म से कुछ भी नहीं चलता, सभी लोग को लेके चलना पड़ता है। और अगर हम यहाँ एक जात धर्म को लेकर चलेंगे तो उससे नुकसान बड़ा होगा और उसकी तकलीफ हमारे आम जनता पर होगी। इसलिए जो सेक्युलर है, जो लोगों के काम आ सकता है, जो हर वक्त लोगों को रात दिन, मतलब बोलते हैं ना, रात दिन उनके लिए काम करते हैं, वो काम हमने किया है, ये सब लोगों को मालूम है हम कितना काम करते हैं, क्या करते हैं, और वो सब चित्र सब लोगों के सामने है। तो ये मतदार संघ सेक्युलर है, तो इसलिए यहाँ सेक्युलर ही इंसान चाहिए और सेक्युलर ही पार्टी के लोग चाहिए। देखिए मैडम, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है बहुत सालों से। यहाँ पर मुस्लिम विधायक बना नहीं है, मुस्लिम विधायक को यहाँ से संधि नहीं दी गई। क्या फारूक शाब्दी को आप मुसलमान नहीं मानते? ये सवाल जो है पूरी जनता में घूम रहा है। जी, फारूक शाब्दी है मुस्लिम के, मैं भी उनका बहुत आदर करती हूँ, मैं उनका मान सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बोले ना, मैं सेक्युलर चेहरा चाहिए। सेक्युलरिज्म को ज्यादा ध्यान देते हुए फारूक भाई है सेक्युलर, लेकिन उनकी पार्टी के जो विचार है, उनके विचार और हमारे विचार बहुत ज्यादा अलग है। हम सब जात धर्मों को लेके चलने वाले हैं, एक जात पर कोई भी राजकारण नहीं कर सकता या कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हमको सब लोग चाहिए, इस देश भारत देश जो है सेक्युलर देश है, यहाँ पे सब जात धर्म के लोग एक जगह रहते हैं, तो इसलिए ये मतदार संघ सेक्युलर है। और मैं नहीं चाहती कि हम किसी जात धर्मों को लेके हमारी पार्टी का काम करें, और कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जो सब जात धर्मों को लेके चलती है, और इसके ऊपर तो मैं 2 बार चुन के आई हूँ, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई एमआईएम वगैरह उनका मुकाबला हम कर सके, हम करें तो बीजेपी का मुकाबला कर सकते। अच्छा, देखिए मैडम, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जातीय धर्मों के लोगों को लेकर चलती है, लेकिन खास मुस्लिम पक्ष कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान के कोई भी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खुलकर बात नहीं करती। नहीं, मुसलमानों के इस पर कांग्रेस पार्टी काम करती है, आप सबको मालूम है, मुझे लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं। जहां वक्फ बोर्ड का बिल पास हो रहा था, वहां तो कांग्रेस पार्टी ने ही उसको रुका दिया, और जेपीसी जो आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो जो बनी है, तो कांग्रेस पार्टी ने मांग करने की वजह से ही बनी है। जब भी ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, या तो फिर मुस्लिम के खिलाफ जितने भी बिल आए, वो बिल रुकाने का काम मुस्लिम अपने कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं नहीं चाहती, ऐसा बोलने का मतलब है उनके, कांग्रेस पार्टी के लोगों के वोटिंग चाहिए, लेकिन ये लोगों ने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया है। अच्छा। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा भी आरोप लगाया जाता है स्थानीय नेताओं की, अगर हम बात करते हैं तो माजी केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और परिणीति शिंदे पर खास मुस्लिम पक्ष आरोप लगाता है कि इन दोनों को हमने भर भर कर वोट दिया, लेकिन हमारे समाज के लिए इन्होंने कुछ हमारे समाज के लिए कुछ विकास नहीं किया, और हमारे समाज के जो भी मुद्दे हैं वो उस पर खुलकर वो बात नहीं करते। रिसेंटली देखा गया तो पैगंबर साहब के रामगिरी जो महाराज है या नितेश राणे है, ऐसे बहुत सारे जो आपत्तिजनक बयान करते हैं मुस्लिम धर्म गुरु के, उस पर कांग्रेस पार्टी या सुशील कुमार शिंदे परिणति शिंदे ने कुछ प्रतिक्रिया मीडिया में नहीं दिया, उसका विरोध नहीं किया, ऐसी भी चर्चाएं मुस्लिम पक्ष में होती है। इस पर मैं तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ताई ने बात की है, पार्लियामेंट में बात की है, उन्होंने मुद्दा उठाया, अल्पसंख्यक के आरक्षण की बात की है। और बात रही अभी जो रामगिरी, तो हम लोगों ने, हम नगर से बोल के हमारे पार्टी के लोगों ने निवेदन दिया, उसके बाद मतलब जहाँ निवेदन देने के लिए भी कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन हमने जाके निवेदन दिया कलेक्टर को, कमिश्नर को, तो ताई के साहब की तरफ से भी, मतलब अभी ये एक पार्टी का मसला नहीं है, मतलब एक समाज का मसला नहीं है, हर समाज का है, और हर समाज में कोई ना कोई किसी के ना किसी की भावना दुखाता ही है। तो हर वक्त वो सामने आके मीडिया के आना और सबको ये, तो एक पक्ष नाराज होता है, तो एक तो ये सब लोगों, मुझे लगता है कि ये लीडर लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दे थोड़ा अलग है, और ये राजकारण के मुद्दे थोड़ा अलग है। देखिए, जब राहुल गांधी लोकसभा में प्रचार के लिए आए थे तो वहां पर ऐसा कहा गया था कि
कुर्सियां नहीं मिली या मान सम्मान मुसलमानों को नहीं दिया गया, कुर्सियां नहीं देने वाली कांग्रेस पार्टी क्या मुसलमानों को टिकट देगी, ऐसी चर्चाएं जनता में घूम रही है। ये चर्चा जनता की नहीं है, ये चर्चा बीजेपी वालों की है। उनको बस मुद्दा चाहिए, वो हर एक चीज नोटिस करते हैं। मतलब तुम क्या पहन रहे, क्या ओढ़ रहे, तुम स्टेज पर कौन बैठे, क्या बैठे, हर एक चीज वो देखते हैं और वो देख के उसका एनालाइज करते हैं और वो चीज का प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोग भी ऊपर थे, हम बैक मतलब स्टेज राहुल गांधी जी का स्टेज और वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन हम ताई साहब के साथ जहाँ राहुल गांधी उतरे वहीं पर हम थे और वहां से हमने ही स्वागत उनका किया था। देखिए कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कितना भी कोशिश कर लो तुमको कांग्रेस पार्टी टिकट देना, मतलब जो है पत्थर पर की रकीले, तुम कितना भी कोशिश करो तुमको यहाँ से टिकट मिलने वाला नहीं। उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे? मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि अभी देखो उम्मीद पर दुनिया टिकी है। अच्छा। तो मैं बोलती हूँ उम्मीद तो बहुत ज्यादा है और अभी जो महाविकास आघाड़ी जो निर्णय लेगे, क्योंकि ये एक पक्ष का मसला नहीं है, यहाँ पर तीन पक्ष के लोग हैं और तीन पक्ष को एक जगह आना, हम हमारे खुद के घर में अगर शादी होती है या तो कुछ अच्छा। होता है तो हम इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि क्या करे कुछ करे, मतलब समझ में नहीं आता कौन सा काम कैसे शुरुआत करे। ये तो पूरे महाराष्ट्र के राजकारण का मसला है, यहाँ पे सीट का मामला है और अच्छा। वो सीट को लेकर अगर हम हमारा मुस्लिम समाज का मुद्दा बार बार लाएंगे तो सब लोग भी नाराज होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए ये ऐसा कुछ लोग बोलते कि लकीर है, काली पत्थर की लकीर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह कांग्रेस को ही टिकट मिलेगी। परसों जो निरीक्षक आए थे उन्होंने भी हमको बोला है कि ये सीट तुमको, ये कांग्रेस को और मुस्लिम समाज को ही छूटने वाले, इतना भरोसा उन्होंने हमको दिया है। और ये अगर हमको टिकट मिल गई तो उसका जवाब मैं बाद में दूंगी आपको टिकट मिलने के बाद। मैडम शिखर पाहिया का भी नाम बहुत चर्चा में आ रहा है, मान लो अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो तब आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? आपके पार्टी अध्यक्ष चेतन नरोटे का भी नाम आ रहा है। मैं बोली ना आपको, जैसा पार्टी जो डिसाइड करेगी मैं उनके साथ रहूंगी। मैंने इसके पहला भी बोला है कि जो 11 लोग जो डिसाइड करेंगे, जो हमारे उलमा जो डिसाइड करेंगे उनके साथ रहूंगी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगी मैं इंशाल्लाह। और जो पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनके साथ मैं रहूंगी इंशाल्लाह। शिखर दादा हो, चेतन भाऊ रहो या कोई भी रहो, मैं उनके साथ इंशाल्लाह रहूंगी। मैडम खास करके अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटरों का डिवाइडेशन इस बार बहुत चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने यहां पर दो नंबर का स्थान रखा है और मुस्लिम वोटर जो है खासकर एमआईएम पार्टी की ओर जाता है। तो अगर मान लो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को यहां से टिकट देती है तो मुस्लिम वोटरों का डिवाइडेशन होगा और इसका फायदा किसी तीसरे पार्टी को होगा, इसी चर्चाएं शहर में चल रही है। हाँ ये तो होगा, क्योंकि अगर वोट डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली बीजेपी यहाँ पे आएगी। तो इसलिए मैं मतलब मेरे जो भी मेरे भाई है एमआईएम के हो या तो फिर समाजवादी पार्टी, जो भी यहाँ पे मुस्लिम का रुके, तो किसी हम एक जगह आके एक प्लेटफॉर्म पे लाके किसी एक को चुन कर लाए जिससे वोट का डिवाइडेशन ना हो, जिससे एक सेक्युलर लोग एक सेक्युलर पार्टी यहाँ से चुन के आए, इस तरह से एक डिसीजन। मैं बोलती है हम तुम डिसीजन नहीं कर सकते, ये उलमा अच्छा। उनो बैठ कर अगर डिसीजन लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और एक किसी एक को अगर जीत कर लाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोग उनके पीछे रहेंगे। तो ऐसे अच्छा। सेक्युलर लोग को लाना जरूरी है। मान लो कि आपको टिकट मिलता है तो क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी इलेक्शन की और क्या विजन आपके पास शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में काम करने के? शहर विधानसभा क्षेत्र में हमारे आमदार पिछले 15 सालों से रहे हैं यहाँ पे विधायक बोल के, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आपको मालूम है ये पूरा जो शहर मध्य है स्लम एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ सोसाइटी है, उच्च भ्रू भी लोग है, कुछ स्लम भी लोग है, उनके जो रोज के जो प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज के मसले हो, ये सब ताई ने काम किया है। इससे ऊपर जाकर कुछ अगर अलग से करना हो तो मैं बोलती हूँ एजुकेशन का मसला है, जो एजुकेशन जो बच्चों को फ्री एजुकेशन करना चाहती हूँ, स्कूल्स के जो डेवलपमेंट है वो मैं करना चाहती हूँ स्कूल के। और बहुत ज्यादा मतलब अभी आप अगर एंटरटेनमेंट का हो तो गार्डन्स, अपने शोलापुर शहर में गार्डन्स अच्छे नहीं है तो वो गार्डन्स भी डेवलप करना चाहती हूँ। और बेरोजगारी का मुद्दा है वो भी इंशाल्लाह मैं पूरा करना चाहती हूँ। और जो भी आईटी पार्क्स हो या तो फिर जो कोई हमारे सिटी के बाहर मतलब शहर के बाहर जो उद्योग धंधे है वो सब शहर में लाने की कोशिश उनके लिए करूंगी। जो यंत्रमाग है, जो बीड़ी कामगार है, जो घरेलू महिला जो काम करती है उनको
और जो जिनके मतलब मसले बहुत सारे हैं घरेलू महिलाओं के, उनके भी मसले हल करना चाहती हूँ, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना, जो निराधार योजना है उनको चालू करना, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विजन्स हैं। इंशाल्लाह वो पूरे मतलब जो मेरे दिल में है मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी करके दिखाऊंगी। मैडम पसंदीदा नेता अगर बात करें तो राष्ट्रीय लेवल पर बैरिस्टर ओवैसी फिर या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी। देखिए मैडम, बीच में शौकत पठान का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर टिकट नहीं मिलता तो 11 के 11 सीट गिराएंगे, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो 11 सीट के बारे में बोले तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर 11 मतदार संघ में से अगर मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा तो एक संताप होगा, और मतलब एक नाराजगी की लात फैलेगी, और उससे उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी पर होगा, इसलिए ये उन्होंने बोला है। और अगर पार्टी के नेता नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? लेकिन इतना हार्शली जो उनका बस बोलने का तरीका गलत था, लेकिन उनके जो भावनाएं थे वो सही थी। उन्होंने जो बोला है कि 11 के 11 सीट गिराएंगे, लेकिन ऐसा मतलब उनका नहीं था कि उसका परिणाम महाविकास आघाड़ी पर होगा, ये उनका कहने का मतलब था। अच्छा, ये थे हमारे साथ नगर सेविका फिरदौस पटेल। और ताई के बाद आपा इस तरह की चर्चा शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो चल रही थी, और ऑटो रिक्शा पर जो उनके पोस्टर्स बैनर लगे थे कि माहौल बदलने वाला है, उस पर लोक प्रधान न्यूज चैनल ने खुली चर्चा की। जो कुछ भी शहर मध्य विधानसभा के मुद्दे थे हमने उनसे बताए, और जो लोग कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं वो आरोप को भी हमने उनके सामने रखा बड़े बेबाक तरीके से, बिना जिसके नगर सेविका फिरदौस पटेल ने हमें जवाब दिए हैं। हम यही रुकते हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल से, मैनुद्दीन अदाब कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ।